Where is the shark point? That one. Oh, that one? Yeah, get lucky. Shark like India people. हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। और टाइम हो गया है 7:23 और अभी हम हैं होटल रूम में। आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, क्या जबरदस्त व्यू है यार रूम के बाहर का। है नहीं सही व्यू तो यार, बड़ा सही सिस्टम है। अपने अपने ऐसे 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 आपको ऐसे ऐसे वाले रूम्स मिल जाएंगे, ये ऐसे 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 हमारा है। तो होटल से थोड़ा सा ऊपर है तो गाड़ी आ जाती है आपको लेने के लिए। आराम से फ़ोन कर दो कि हाँ भाई गाड़ी भेज दो, कैब भेज दो। अभी हॉर्न मारेगी देखना। वो तो गाड़ी आ गई है और उन्होंने कितना फोन है? कितना करे मेनी मेनी गेस्ट्स विल टेक केयर। तो चलो भैया, गाड़ी आ गई है और अभी हम सीधा जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। सबसे पहले हम स्नॉर्कलिंग के बारे में पूछ के आएंगे कि कितने बजे गाड़ी जाती है और उसके बाद हम जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। ये यहाँ पे अंडर वाटर डाइविंग की ट्रेनिंग चल रही है और सामने आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। और चलिए ब्रेकफास्ट कुछ करेंगे और उसके बाद पूरे दिन के लिए एनर्जी सेव करके रखेंगे। शुरू करेंगे सैलेड से और सैलेड के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं खाने के लिए आपको बहुत सारा फ्रूट मिल रहा है, पाइन एप्पल्स मिल रहे हैं, जूस और शुगर ड्रिंक्स हैं, सीरियल्स मिलेंगे आपको दूध के साथ, और ये ब्रेड्स हैं, पफ मिल जाएंगे, कॉफ़ी। और ये मेन कोर्स, मेन कोर्स में आप देख सकते हैं हलीम है और उसके बाद सॉसेजेस, टोमेटो सॉस है, चिकन है। मिल गया ये ग्रीन करी विद चिकन। और अनीता ग्रीन करी विद चिकन इतने भी है, ले कल पैसे दे के मंगा, आज मुफ्त खाओ। ओहो यार, तेरा कम पुठा हो गया। पुठा हो गया हो, आज आप आज खावांगे। और ये बहुत सारी चटनीज, और ये वेज के लिए नूडल्स विद टोमेटो सॉस, स्पेगेटी बोलते हैं इसको, फ्राइड वेज। ओके, वेजिटेरियन इज दिस। तो ब्रेकफास्ट की शुरुआत करेंगे हम वाटरमेलन से, मस्क मेलन से और थोड़ा फ्रूट सैलेड के साथ, और साथ में पाइनएप्पल जूस। उसके बाद जाएंगे हम मेन कोर्स की तरफ। अरे यार, एक तो ना
यहाँ पे कच्चा ऑमलेट पता नहीं क्यों खाते हैं। ये देखो अंदर से सारा गिल्ला है, ये देखो सारा गिल्ला। अभी एक और हैं पक्का बन गया, उन्हें कहिए चल ठीक है। तो उसको बोलना पड़ेगा, या तो समझते भी नहीं है ये, इनको बोलना पड़ेगा कि भाई कच्चा नहीं चाहिए हमें, अच्छा सा पका के दो। हेलो किटी, किटी नो समान दूजे रिपोर्ट में कहेंगे सानू दस दे एक बजे, फिर एक बजे तक दस बजे फड़ांगे, एक बजे लाऊंगा इतने इतों बोर्ड फिर अपनी फ्री है, चलो समान लैके चलो ਇਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੈ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਲੋ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਚਲੋ ਚਲੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਫਿਰ ਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਲੈਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਚੱਕ ਲਈ ਲਫਾਫਾ ਚਲੋ आओ जी आओ। भाई 35 होए 40 होए पाने ते पैना ही है, खिचो वो तो कैश ते पेंदे ने भाई, मैं बोल लेना कुछ नहीं पेना, कितना कितना पै रहे कुछ नहीं पेना, जिन्ना रेट होगा ओदे ते होगा, मैं 6 पैसा वाटू है अच्छा कैश ते मिलता करदा देखदे हैं बोल लेना मैं। तो भाई हमारा फॉरेक्स रिजर्व पूरा खाली हो गया है और अब हम अपने इंडियन अकाउंट से थोड़े से पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं और वो जिम्मेदारी हमने हनीत और मनप्रीत को दे रखी है। तो फाइनल बिल हमारे पास आ गया है 2 दिन का फीफी का और होटल और ये थाई बाथ में है, INR में नहीं, और जो 1 रुपया है वो 2.5 रुपये के बराबर है थाई बाथ का। हो गया पे भाई, हूं तो नहीं पुछ लिया, हूं तो नहीं मैं भांडे भूडे साफ करने पैने, क्लीनिंग टेंशन क्या उही है फिर हसन लग गए, फिर उन्हें पूरी कहानी सुनाई अपनी भाषा से, वो हाडे वाल देख के हसी, फिर मैम मैं लग गया पता उन्हें पक्का वही कहानी सुनाई है। इफ वी डोंट हैव मनी कैन वी क्लीन यूटेंसिल्स यस अगर और कहना इंडियन गाइस केम टू डोंट हैव मनी एंड दे व्हाट टू डू यार उन्होंने भी पता यूटेंसिल्स उन्होंने भी पता करने आप भी वो मजाक सी खड़े सी पहले उन्हें जब आप कह था कहानी में बहुत चीज टेंशन भी मजाक कर रहे हैं बिरादर।
तो भाई लोगों, यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम यहाँ पे मुंह लटका के क्यों बैठे हैं, वाई वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव। तो प्रॉब्लम ये हुई है कि जितनी भी फेरीज जाने वाली थी वाइकिंग केव्स या माया बे के लिए, वो सब बुकड हो गई थी और अनफॉर्चुनेटली हमें वहाँ जाने के लिए जगह नहीं मिली। और दूसरी फेरी जो थी वो जाने वाली थी 12:30 के आसपास। और वन मोर अनफॉर्चुनेटली, हमारी जो वापस जाने की फेरी थी वो थी 1:00, क्योंकि हमारी इवनिंग में फ़्लाइट थी बैंकॉक के लिए, तो हमें 1:00 या 1:30 हमें निकलना था यहाँ से, तो इसलिए हम वो फेरी ले नहीं पाए। बट एज सुन एज वी गॉट टू नो कि यहाँ भी हम स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, वी रश्ड टू द काउंटर एंड हमने वहाँ पे डिपॉजिट किए 1000 baht। और स्नॉर्कलिंग के लिए हमने मास्क लिए 50 baht और लाइफ जैकेट ली 50 baht। उसके बाद हम सीधा चले गए जी स्नॉर्कलिंग करने के लिए। ਅੱਗ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਸ਼ਾਰਕ ਪੁਆਇੰਟ? Oh, that one? Yeah, get lucky. Shark like Indian people. You want shark to like with... shark like Indian people? Yeah. You want to film with you? With me? Yeah. Shark will eat me or not? No, shark never eat, just bite. Just bite, huh? Stay alive. Okay, thanks, thanks for heads up. life jacket chahiye thanu? Swimming aandi hai? ਉਹ ਲਾਈਫ ਲੂਫ ਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਨਾ ਟੱਪ ਛੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ? ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੇ ਰਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਭਾਈ, ਸਨੋਰਕਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲਸ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਚ ਚੇਅਰਸ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਦ ਇਨ 5 to 10 minutes ਹਮੇ ਰੈਡੀ ਹੋਣੇ ਮੇਂ ਲੱਗ ਜਾਏਂਗੇ। ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੋ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਨੋਰਕਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, वहीं पे जाके हम भी स्नॉर्कलिंग करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, पेड़ों के नीचे आराम से बैठो छाँव में। अगर आपको सन बाथ लेना तो उसके लिए अलग चेयर्स लगी हैं, आप सन बाथ भी ले सकते हो, और अगर किसी को छाँव में बैठना तो हम छाँव में भी बैठ सकते हैं। और चलिए, हम हो गए हैं रेडी स्नॉर्कलिंग के लिए, और बस अभी हम जाएँगे सामने स्नॉर्कलिंग करेंगे और आपको दिखाएँगे समुंदर के थोड़े से अंदर की दुनिया। आओ चलिए, आओ 2 मिनट।
जैकेट खोल दिए जाना है एक बारी। आजो हो गई है दौरा करनी है दौरा करनी है क्यों हो गई है हाँ करनी है यार टाइम हो जा गया हाँ जी हाँ जी हाँ जी आओ रस्सी फड़ के आओ रस्सी सी पर रस्सी भी नाल थले जाती है रस्सी भी नाल थले जाती है चलो जी पूरा दिन फन करके अभी वापसी वाली बोट में बैठ गए हैं जो बोट वापस हमें लेके जाएगी पोर्ट तक तो चलिए मस्ती करते हुए जाएंगे मेरा लैपटॉप वाला बैग देखी आ गया मेरा लैपटॉप वाला बैग नहीं नहीं एक तो आया है सो हाउ यू लाइक द वेकेशन इन थाईलैंड We've been here for 2 weeks, and then Bangkok. तो चलिए भाई लोगों बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए आई होप आपको हमारा फीफी का स्टे पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो रहेगा जी यहाँ से फुकेत एयरपोर्ट और फुकेत एयरपोर्ट से बैंकॉक और बैंकॉक में भी हम बहुत सारी जगहों पर घूमने वाले हैं बहुत फ़न करने वाले हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए Thanks for watching this video.